नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। सावन माह में कांवड़ियों के हरिद्वार जाने की रोक लगाने के बाद रुड़की विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में गंगाजल बांटने के लिए टीम का गठन किया है। उन्होंने कहा है कि उनका प्रयास है कि प्रशासन का सहयोग करते हुए लोगों को घरों में ही रहकर शिवरात्रि पर्व मनाए और आसपास के मंदिरों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए जल अभिषेक करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस बार भी कांवड़ियों के हरिद्वार आने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कांवड़ियों के रूप में हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी शासन द्वारा दी गई है। वहीं शिवरात्रि से पूर्व रुड़की क्षेत्र से भी काफी संख्या में लोग हरिद्वार में जल लेने जाते हैं और शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। इसी कड़ी में रुड़की क्षेत्र से लोग हरिद्वार ना पहुंचे, इसलिए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने घर घर गंगा जल पहुंचाने का निर्णय लिया है। देखिए, सावन का पवित्र महीना है और हिंदुओं का त्यौहार है और सभी में त्यौहार जो है हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। और देखिए, अब पहले लाखों करोड़ों की संख्या में कांवड़ यहाँ पर आता था गंगा जल लेने और सबकी आस्था जुड़ी थी और सभी लोग अपने अपने शिवालयों में अपने अपने घर जाकर गंगा जल जो है शिवलिंग पर चढ़ाया करते थे। तो कोरोना महामारी की वजह से सारे त्यौहार जो है उनका ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। इको दिवाली मनाने की बात कही गई, फ्रेंडली दिवाली मनाने की बात कही, इको होली मनाने की बात कही गई, जिससे कि संक्रमण से हम लोग बच सकें और संक्रमण ना फैले। इसी के तहत ये निर्णय लिया गया सरकारों द्वारा कि कांवड़ यात्रा स्थगित करी गई, पर अपनी आस्था तो स्थगित नहीं होगी, अपना संस्कार तो नहीं हम छोड़ सकते। तो इसी के तहत हमने प्रोग्राम बनाया कि गंगा जल ही हम लोग घर घर तक पहुँचाएंगे और ना सिर्फ रुड़की में, मैं सोचता हूँ कि हम उस पर टोल फ्री नंबर देंगे, कोई अगर बाहर भी गंगा जल ही मंगाना चाहता है तो कुरियर से उसको गंगा जल ही भेजेंगे और अपना त्यौहार लोग मनाए और माँ पवित्र गंगा के। चमोली में भाजपा जिला कार्यालय में सतपाल महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मौके पर जोर देकर कहा कि बेहतरीन बूथ प्रबंधन के जरिए ही 2022 में भाजपा प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को आज से ही मेहनत पर जुट जाना हो। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में पर्यटन को सरकार द्वारा बढ़ावा देने पर पुरजोर अमल किया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर महाराज ने कहा कि न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय जैसे ही निर्णय लेगा उस पर काम किया जाएगा। धरौनी के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अवैध खनन से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सीज कर दिया। बता दें कि ये खनन माफिया काफी समय से अवैध खनन में लिप्त था और सरकार को राजस्व का चूना लगा रहा था, जिसकी कलियर पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस ने सूचना पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर रोशनाबाद से है, जहां लगातार मजदूर अपनी मांगों के लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज सुबह करीब 6 बजे पुलिस प्रशासन मजदूरों को बसों में भरकर ले गए। इस समय सभी श्रमिकों को पुलिस लाइन ब्रीफिंग हॉल में एकत्रित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस द्वारा महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट भी की गई। दूसरी तरफ मजदूरों ने चेतावनी दी है कि वो करीब 12 बजे रोक मैन के गेट पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार का पुतला दहन करेंगे। तो श्रमिकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, रोजगार न मिलने के चलते परेशान है। उसी के बाद पुलिस पर भी मारपीट करने और उत्पीड़न करने का आरोप श्रमिकों द्वारा लगाया गया है, जिसपे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रोक मैन पर वो जाकर पुतला सहन सरकार का दहन करेंगे। चमोली के दशोली विकासखंड में कई गांव आज भी नेटवर्क की पहुंच से बाहर है और यहां पर पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसर है, क्योंकि कोरोना महामारी से 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं और इसी दौरान सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दुरस्त गांवों के बच्चों के लिए ये महज एक खबर मात्र है। इन्हीं गाँव में सुमार एक गाँव तड़ाक ताल है, जहां पर करीब 70-80 परिवार रहते हैं, जो कि ग्राम गौना के निवासी हैं और बरसात के समय 6-7 महीनों के लिए यहां रहते हैं, जहां पर नेटवर्क का अभाव है। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो पा रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई जी, मतलब जो सरकार के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, हमारे बच्चे मतलब जब घास या लकड़ी को जाते हैं तो वहीं मतलब 2-3 किलोमीटर दूर जाके वहीं पे थोड़ा सा कहीं धार धार में जो नेटवर्क है वो भी ढंग से नहीं चल पाता है और यहाँ पे ये नेटवर्किंग की बहुत बड़ी समस्या है।
और कोरोना काल के 1.5 साल बीत चुके हैं, इससे हमारे बच्चे सारे मतलब वो हो चुके हैं। जैसे कि कोरोना काल का 1.5 साल बीत चुका है और स्कूलें बंद है, हाई स्कूल इंटर या प्राथमिक जो भी स्कूलें हैं वो सारी बंद हैं। बच्चों ने इससे पहले जो भी पढ़ा था वो सारे भूल चुके हैं। और जैसे सरकार की ओर से तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कहा गया है, लेकिन हमारे ग्राम सभा में जो है नेटवर्क की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इससे दूर धार में जाना पड़ता है, मैं 3 किलोमीटर करीब जाना पड़ता है, वहाँ पे भी जाके फायदा नहीं होता है, क्योंकि किसी टाइम नेटवर्क आता है किसी टाइम चले जाता है। और इससे हम सारे ग्रामवासियों की यही आशा है कि सरकार से अति शीघ्र यहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था होनी चाहिए है, जिससे कि हमारे बच्चों। पौड़ी गढ़वाल में पुलिस लगातार महिलाओं पर हो रहे अपराध के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बसों और टैक्सियों में पैम्पलेट चस्पा किए गए हैं, साथ ही वाहनों में सफर कर रही सवारियों को भी इस संबंध में बताया गया है। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि पुलिस इन जन जागरूकता अभियान को आगे भी जारी रखेगी। पौड़ी गढ़वाल में हरेला महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान व्यापार संघ के अध्यक्ष ने वृक्षारोपण किया। मौके पर वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बता दें कि वृक्षारोपण के तहत करीब 300 पौधे लगाए गए हैं, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और धूमधाम से पौड़ी गढ़वाल में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 300 पौधे वृक्षारोपण के लगाए गए, तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में धूम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 300 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो लोगों ने किया वृक्षारोपण, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल में किस कदर लोगों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। 300 पौधे लगाने का बता दें लक्ष्य रखा गया है पौड़ी गढ़वाल में। चमोली जिले के पिंडर घाटी में नारायण भगत विकासखंड मुख्यालय के दोनों बाजारों के बीचों बीच सड़क पर हो रहे भूस्खलन के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। लोगों को हर समय डर बना रहता है भूस्खलन का। आपको बता दें कि नारायण बगड़ में दोनों बाजारों के बीचों बीच लगभग 200 मीटर के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो कि वर्षों से भूस्खलन की चपेट में है। पिछले महीने हुई भारी बारिश से यहां सड़क पर बड़े बड़ी दरारें पड़ गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यातायात जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है। दोनों बाजारों के बीच में जो जगह है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और ये सबसे उपयुक्त ये रहेगा कि यहाँ पर अगर टैक्सी स्टैंड बन गया तो भविष्य के लिए ये जगह मजबूत हो जाएगी, और यहाँ अगर ऊपर जो गांव है उसके लिए भी सुरक्षा हो जाएगी। और ये जगह टैक्सी स्टैंड बीते 2 दिन से लालकुआ में हो रही झमाझम बारिश ने जहां मौसम सुहाना कर दिया है, वहीं कुछ लोगों के लिए आफत भी खड़ी कर दी है। गोला नदी के पार करीब आधा दर्जन से अधिक गांव हैं, जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। बरसातों के दिनों में जब गोला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो गांव वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में गांव वाले बरसात के दिनों में करीब 3 महीने का राशन इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती है। वहीं अगर नदी पर पुल बनाए जाए तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। मसूरी जिले के टिहरी रोड व वूड स्टॉल स्टॉक स्कूल के पास देर रात पहाड़ी खिसकने के से ऊपर बनी कॉटेज को गिरने का खतरा खड़ा हो गया है। इसके साथ ही सड़क पर बड़े बड़े बोल्डरों के आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लगातार हो रही आफत की बारिश से मसूरी शहर में भूस्खलन होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। गलोगी पावर हाउस के निकट पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर आने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। मार्ग के चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया है, जिससे लगातार बड़े बड़े बोल्डरों का गिरना जारी है। नैनीताल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। भीमताल ब्लॉक के ग्राम रानीबाग राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में केंद्र सरकार की योजनाओं की
जानकारी दी गई। जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान कलावती थापा और वरिष्ठ अतिथि जिला पंचायत सदस्य संजय शाह भी शामिल हुए। कार्यक्रम प्रभारी श्रद्धा गुरुरानी तिवारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम सभा के अधिक से अधिक लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की है। जैसे अभी हमने आज ये जो कार्यक्रम देखा केंद्र सरकार द्वारा जो सूचना विभाग द्वारा किया गया है, जैसे हम जितने भी जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम देखा है, अगर हम जनप्रतिनिधि इस को अगर हम ज़्यादा गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का 10 व्यक्ति तक भी अगर अपनी बात पहुंचा सके और उन 10 व्यक्तियों ने अगर आगे बात पहुँचा सके, इससे क्या है कि जब मैसेज आएगा। नैनीताल जिले के कालाडूंगी मार्ग पर बजून के पास बड़ा हादसा हो गया। यहां सैलानियों की कार पर ऊंचाई से बोल्डर गिरने से एक कार सवार की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानंद में लोगों को कार से बाहर निकाला, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मल्लीताल कोतवाल ने बताया कि एक कार पर बोल्डर गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में लगी हुई है। तो एक अज्ञात महिला ने कर्णप्रयाग के पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि महिला काफी देर से पुल पर खड़ी थी, अचानक से महिला पुल के किनारे बने गार्डर पर चढ़ गई और छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने जैसे ही महिला को गार्डर पर चढ़ने की हरकत देखी तो बचाने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन तब तक महिला नदी में छलांग लगा चुकी थी। फिलहाल महिला के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस गोताखोरों की मदद से महिला की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के चलते पौड़ी जिले के किमसार कोडिया तराई क्षेत्र में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। नदियों में बढ़ रहे जलस्तर की वजह से लोगों को नदी पार करने में काफी दिक्कतें हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल से पुल का निर्माण कराए जाने की बात की जा रही है, जो सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित है। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं और इस समय यहाँ इनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी नहीं की जा रही है। उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गोहरी रेंज में भी हरेला पर्व के चलते हरेला सप्ताह मनाया जा रहा है। गोहरी रेंज स्थित वाटिका में एआरटीओ ऋषिकेश अरविंद पांडे, यमकेश्वर ब्लॉक प्रमुख आशा भट्ट और योग नगरी प्रकाश परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि पौधारोपण किया। हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री सुभाष सैनी महिला के साथ हुई मारपीट को लेकर कार्रवाई की मांग की है। जिला महामंत्री के नेतृत्व में सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है और कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में एक विधवा महिला के घर में घुसकर आरोपियों द्वारा उसकी पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से महिला का गर्भपात हो गया था। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर हिंदू जन जागरण मंच पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ये ऋषिकेश पुलिस का पुतला जलाया हिंदू जागरण मंच जिला देहरादून ने। ऋषिकेश में एक विधवा महिला के साथ घर में घुस के मारपिटाई करी। शौकत अली पार्षद है वहाँ का, उसने और उसके चार पांच दबंगी गुंडे जो उसके साथ रहते हैं उन्होंने, और यहाँ तक मारा कि उसकी लड़की के पेट में जो बच्चा था वो भी मार दिया। उसके बाद उसे जो है पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं कराया। दबाव में आके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी उसकी आज तक नहीं हुई। वो पता नहीं विजय माल्या की तरह कहीं हेलीकॉप्टर में उड़ गया या धरती निकल गई, उसे पता नहीं कहाँ चला गया। समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।